गांधी लोहिया समानता केंद्र के तत्वावधान में विश्व के महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता समाज सेवी एवं लोकतंत्र रक्षक सेनानी ओम प्रकाश यादव ने की तथा संचालन आदित्य कुमार एडवोकेट ने किया। गोष्ठी में प्रवक्ताओं ने डॉक्टर लोहिया के कर्मठ एवं संघर्षपूर्ण जीवन से जुड़े क्रांतिकारी विचारों पर प्रकाश डाला। प्रवक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर लोहिया को आधुनिक युग का ऋषि बताया गया। डॉक्टर लोहिया ने अपना सारा जीवन संपूर्ण मानवता के निर्माण के लिए लगा दिया और उनकी राष्ट्रीयता महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों में अटूट विश्वास करती थी। उनका जीवन गरीबों, पीड़ितों तथा शोषितों के लिए शांति में संघर्ष करने में बीता। ये डॉक्टर लोहिया जी की पुण्यतिथि पर ये विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। पिछले लगभग 50 वर्षों से गांधी लोहिया समता केंद्र समय समय पर वैचारिक कार्यक्रम करती रही है और समता केंद्र का मानना है कि आर्थिक गरीबी दूर हो सकती है, वैचारिक गरीबी अगर देश में आ जाए उसका दूर होना बहुत मुश्किल है। उसी का हम प्रयास कर रहे हैं जो वैचारिक गरीबी या क्राइसिस जो देश में बड़ा है उस दिशा में दूर करने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। ये गोष्ठी बहुत महत्वपूर्ण होती है वैचारिक गरीबी की दृष्टि से।